एक्टर फरहाद शामजी की त्रिदेव के सलमान कर रहे हैं अपनी मनमानी। हेलो दोस्तों, मैं श्री शाह सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉली ग्राम स्टूडियोज में। दोस्तों, दबंग खान इन दिनों बैक टू बैक बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। उसमें से एक है उनकी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली, जो इस साल ईद पर रिलीज होगी। जब से दबंग खान ने इस बात का ऐलान किया है, उनके फैंस तो फिल्म से जुड़ी हर खबर पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अब भाईजान की फिल्म है, इसे कौन मिस करेगा। वैसे सलमान ने अपने फैंस के एक्साइटमेंट को देखकर फिल्म को इस साल ईद पर रिलीज करने का फैसला किया है, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर फरहान शामजी ने भी हावी भर चुके हैं, क्योंकि ईद सलमान के लिए लकी साबित हो चुकी है। वैसे उनकी फिल्में लक के भरोसे थोड़ी ना है, उनकी मेहनत और ऑडियंस का सपोर्ट उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिल्म की कहानी काफी सिंपल होगी। सिंपल कहानी की हसीना भी सिंपल अवतार में नजर आएंगी, और वह है पूजा हेगड़े, जो पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। साथ ही दोस्तों, पूजा का किरदार और उनकी पर्सनालिटी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि वह इतनी सीधी साधी नहीं है, मतलब काफी बोल्ड है। अब फरहाद ने उन्हें कास्ट किया है, तो इसका मतलब जरूर उन्हें उनमें वह बात दिखी होगी। वैसे डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने ऑडियंस से वादा करते हुए कहा कि आपको इस फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और रोमांस एक साथ देखने को मिलेगा। इस फिल्म में भाईजान का एक नया अवतार सामने आएगा। हम आपके सामने एक पूरी प्लेट को सजा कर रखेंगे, आपको उसमें से जो पसंद आए आप ले लीजिए। फरहाद सलमान की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने जो मौका दिया है उसके लिए वह खुद को खुशनसीब मानते हैं। सलमान का हर फैसला उन्हें मंजूर है, इसलिए तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरे त्रिदेव हैं अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी और सलमान खान, क्योंकि मैं अक्षय के साथ पहले भी काम कर चुका हूं, और बच्चन पांडे में हमने काफी धूम मचाई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रोहित के साथ मैं 18 सालों से काम कर रहा हूं, और जब बात सलमान पर आती है तब उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में मेरे टैलेंट को पहचान कर मेरे करियर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने मदद की। इतना ही नहीं, मजाक में सलमान खान को डेंजरस एक्टर भी कह गए। इस बात में तो दम है, क्योंकि डेंजरस है इसलिए तो उन्हें दबंग खान कहा जाता है, पर उन्होंने सलमान का जज्बा, रुतबा और इंडस्ट्री में उनका औहदा देखकर उन्हें डेंजरस कहा होगा। सलमान बाकी चीजों में भले ही डाउन टू अर्थ हो, पर जब बात फीस की आती है तब उनके अंदर का दबंग खान जाग उठता है। साथ ही इस फिल्म के लिए तो उन्होंने कम फीस ली है, पर कुछ खबरों के अनुसार वह साजिद के साथ फिल्म को प्रोड्यूस करने में भी साथ दे रहे हैं, इसी वजह से उन्हें फिल्म के प्रॉफिट में भी उन्हें हिस्सा चाहिए। अब बोलिए क्या करेंगे साजिद, क्योंकि उन्हें शायद भरोसा होगा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाका करेगी और अच्छी खासी कमाएगी। क्या कुछ भी हो, पर कभी ईद कभी दिवाली दर्शकों के लिए खास होने वाली है। क्या इस ईद पर सलमान को मिलेगी रिकॉर्ड तोड़ ईदी, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें।